Hello everyone. Let's start with our discussion on one of the most important uh, topics of your CA final financial reporting: financial instruments. 15 to 20 ka weightage, three indices. Covered. 32. 107. 109. 107 and more on disclosure. 109 is recognition measurement. Primarily, of financial assets, liabilities, derivative, embedded derivatives, and hedging. What is uh, given under 32 is what will be covered in this particular revision. प्राइमरीली वहां पे हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें नंबर वन क्लासिफिकेशन कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किस चीज को फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी या इक्विटी या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा सेकंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के कॉन्ट्रैक्ट कब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में डील किए जाएंगे एंड थर्ड एडिशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपनीज इश्यू ऑफ ओन इक्विटी शेयर ऑफसेटिंग और इंटरेस्ट डिविडेंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिलेटेड

एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनादर यानी सबसे पहली बात एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी को असैट और दूसरी पार्टी को लाइबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करेगी इसका मतलब हमें अकाउंटिंग पार्टी इसके लिए करना है यानी फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की करना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग नहीं होती है फाइनेंशियल लाइबिलिटी इक्विटी या फाइनेंशियल असेट की अकाउंटिंग होती है इसलिए अब हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगी फाइनेंशियल असेट हालांकि ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट बनेगा और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लेबिलिटी या इक्विटी नहीं बनेगी ये नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के कॉन्ट्रैक्ट में हम डिस्कस करेंगे फिर भी उसकी अकाउंटिंग वन जीरो नाइन या थर्टी टू में कवर होगी दैट स्पेसिफिकली एडिशनली इंक्लूडेड एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट बन रहा है दूसरी के लिए लाइबिलिटी और इक्विटी कुछ केस में दोनों बन सकता है उसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसको भी स्प्लिट करना पड़ता है बिटवीन लाइबिलिटी एंड इक्विटी उसकी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस होगी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपन फाइनेंशियल एसेट की सिंपल है तीन चीजें आती है फाइनेंशियल एसेट में अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो वो आपकी फाइनेंशियल एसेट है किसी और के इक्विटी शेयर आपके पास है खुद के नहीं अब इसी बातें खुद के शेयर्स लेंगे तो बाय बैक हो जाएगा और बाय बैक होगा तो शेयर कैंसिल करना पड़ेंगे अनलेस आपने ट्रेजरी फेयर के फॉर्म में रखे हैं जिसको अपन एडिशनली आगे डिस्कस करेंगे तो आपके पास कैश है या किसी और के इक्विटी शेयर है या फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टल राइट है किसी और से कैश लेने का जैसे डेटर बिल रिसबल लोन गिवन या उसके इक्विटी शेयर आपको मिलेंगे जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर या कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया या कोई दूसरा फाइनेंशियल असेट मिलेगा फॉर हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड बॉन्ड जहां पे आपको ड्यू डेट पे गोल्ड नहीं कैश मिलने वाली है इन सारे केसेस में माना जाएगा कि आपका वो असेट फाइनेंशियल असेट है इसके अलावा कई बार एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट और एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट होगी बट पता नहीं है किसके लिए क्या नॉर्मली ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेकुलेटिव नेचर के हैं डेरेवेटिव जहां पे अगर आपने फॉरवर्ड बाय किया है प्राइस बढ़ेगी तो गेन होगा आपके लिए पैसा रिसीवेबल होगा असेट बनेगा सामने वाले के लिए लाइबिलिटी वाइस वर्षा भी हो सकता है डेफिनेशन में उसे भी शामिल किया गया है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल ऑल लाइबिलिटीज अंडर कंडीशन दट आर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन आर पोटेंशियली अनफेवरेबल फेवरेबल इन दैट अ फाइनेंशियल फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन है तीन चीजें फाइनेंशियल थी कैश इक्विटी शेयर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू तो रिसीव कैश इक्विटी शेयर यहां पे कैश हट गई इक्विटी शेयर खुद के तो इक्विटी क्या लाएगा तो एक ही बचा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के बजाय ऑब्लीगेशन हो जाएगा तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज अंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और एनी अदर फाइनेंशियल असेट खत्म प्लस डेरिवेटिव हो सकते हैं अंडर कंडीशंस एच आर पोटेंशियली अनफेवरेबल जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज फाइनेंशियल और अंडर आर पोटेंशियली अनफेवरेबल इसके अलावा एक स्पेशल केस बनता है जहां पे आपको देना इक्विटी शेयर है इक्विटी होना चाहिए पर वेरिएबल नंबर में देना है इस कारण से वो लाइबिलिटी होती है दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियट्स एंड लाइबिलिटी बट टू बी डिस्कस्ड और बेसिकली अंडरस्टूड सेपरेटली तो उसे रिविजन में आखिरी में लेंगे रिमेनिंग पार्ट को अगर अपन फर्दर इवेल्युएट करें तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कैश किसी और के इक्विटी शेयर या कैश और शेयर मिलने वाले हैं आपको वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है तो वो फाइनेंशियल असेट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right होना चाहिए अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right नहीं है और कोई लीगल राइट right है जैसे टैक्स रिफंडेबल विच इज कमिंग आउट ऑफ अ स्टैचू दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट ये भी इंपॉर्टेंट है राइट टू रिसीव कैश होना चाहिए ना कि गुड्स और सर्विस तो प्रीपेड एक्सपेंस में आपका राइट टू रिसीव सर्विस है एडवांस टू सप्लायर में राइट टू रिसीव गुड्स है तो वो फाइनेंशियल असेट नहीं है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है रेंट के अगेंस्ट में राइट टू रिसीव रिफंड ऑफ दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट है लाइक क्वेश्चन मनी ऑफ योर स्कूल इट इज अ फाइनेंशियल असेट पर अगर कह दिया जाए कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी रिफंड नहीं होगा सिर्फ आखिरी के आपके महीनों के रेंट से एडजस्ट होगा तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल बिकॉज इसके बदले में आप सिर्फ सर्विसेज ले पाओ तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होना चाहिए स्टैचुटरी नहीं और राइट टू तो रिसीव कैश या कोई दूसरा फाइनेंशियल असेट होना चाहिए ना कि गुड्स और सर्विस वेरी क्विकली इंटरप्रेटिंग क्या कैश इन हैंड फाइनेंशियल है है ट्रेड रिसबल बिल रिसबल लोन गिवन सिक्योरिटी डिपॉजिट इफ रिफंडेबल सोर्स फॉर अर्निसबल और कन्वर्टेबल दोनों सब फाइनेंशियल क्योंकि आपको कैश या इक्विटी शेयर किसी और के मिले पीपी इंटैंजिबल अस इन्वेंट्री इन एंड फाइनेंशियल असेट नहीं है क्यों क्योंकि यू डोंट है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश आप उसको यूज करते सर इन्वेंट्री बेच के पैसे बनाई जा सकती है दोस्तों हर असेट बेच के पैसा बनाया जा सकता है यूजुअली तभी वो असेट कहलाता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर असेट जो इन कैश हो सकता है वो फाइनेंशियल असेट है अगर वो असेट जो आपकी बुक्स में आ जा रहा है वो असेट आपको राइट दे रहा है कैश मांगने का तो वो फाइनेंशियल असेट इन्वेंट्री राइट नहीं दे रही है कैश मांगने की जब आप इन्वेंट्री को क्रेडिट सेल पे बाहर निकाल दोगे और क्रेडिट सेल करोगे तो आपको डेटर से ट्रेड रिसीवेबल से राइट मिलेगा कैश मांगने का तो ट्रेड रिसीवेबल इज समथिंग विल बी ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज नॉट अ फाइनेंशियल अंशियल्ड एंड इट सेल्फ इज अ कमोडिटी बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी की तो खैर बात ही निर्वाली है वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है दे आर नॉट कैश और कैश इक्विवलेंट बिकॉज दे आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर ऑफ मनी डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज बीन वाइडली यूज इवन इफ द गवर्नमेंट डज नॉट रिकोगनाइज इट तो वो एक अपने आप में स्पेसिफिक स्पेशल सेपरेट मुद्दा है बट येस कमोडिटीज इन एंड आर नॉट फाइनेंशियल इफेक्ट्स इवन इफ दे आर रेडिली रियलाइजेबल लाइक गोल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द समझने का है ओब्लीगेशन ऑब्लीगेशन का मतलब क्या होता है ल लाइबिलिटी दैट इज नॉट इन देंड ऑफ दू बडेड वॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इज योर इंटेंशन टू अवॉइड वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कैन यू अवॉइड पेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट राधर देन योर इंटेंशन मीनिंग आपने गुड खरीदे आपको पैसे देने कॉन्ट्रेक्चुअल टू पे स्टेट लेबल इज ऑफियल लाइबिलिटी आपने लोन लिया पैसे लौटाने कॉन्ट्रेक्चुअलिगेशन टू पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपने गुड्स उधारी पे खरीदे और पैसे देने की बजाय आपने किसी से एडवांस लिया है और उसके बदले में गुड्स देनेस फ्रॉम कस्टमर इज अबिलिटी

इनकम टैक्स आपको पे करना है दैट्स अटैचुटरी ऑब्लगेशन टू पे कैश इट विल नॉट बी काउंटेड रिमेम्बर कॉन्ट्रेक्चुअल विल ऑल्सो नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इट हैजू बी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन इंडिया नाइनटी एप्प्लाइ बेनफिट में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन होता है कि आपने एम्प्लॉय को लेकर फॉर एक्जाम्पल पास्ट प्रैक्टिस के आधार पर बोनस की एक्सपेक्टेशन बना दी हर साल देते हो देना ही पड़ता है तो उसके आप बोलोगे कि इसका भी प्रोविजन बना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फैक्ट्री के बाहर वर्कमैन की डेथ हो गई वी आर नॉट रिस्पांसिबल टू पे बट हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लगेशन है पहले भी कभी ऐसा हुआ है तो हमने पेमेंट किया है तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है फिर भी हम पे करते हैं बेस्ड ऑन दूर आप प्रैक्टिस ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिकेशन है इंडेज नाइनटीन एम्प्लाय बेनिफिट में इसका प्रोविजन बनाना पड़ता है लेकिन इंडेज थर्टी टू में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लीगेशन कंसिडर नहीं की जाती है ये वो ऑब्लीगेशन है जो प्रमाली आपकी आपके पास प्रैक्टिस आपके स्टेटमेंट से पैदा होती है इन्हें

क्वेश्चन ये है ऑब्लिगेशन का मतलब इट इज नॉट इन दी एंड ऑफ एंटिटी टू अवॉइड क्या आपके सर पे ऑब्लिगेशन है कि आपको कैश देना पड़ेगी आप उससे नहीं बच पाओगे मींस ए यू हैव एन ऑब्लिगेशन यस मेरे पास ऑब्लिगेशन है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर को ड्यू डेट पर रिडीम या कन्वर्ट करना है बी क्या ये ऑब्लिगेशन में कैश या कोई फाइनेंशियल असेट का आउटफ्लो होगा कैश का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्या आप अपनी इच्छा पे बचा सकते हो हाँ बचा सकता हूँ कैसे बचा सकते हो बाय गिविंग इक्विटी शेयर अपने इक्विटी शेयर क्या फाइनेंशियल असेट है नहीं है दूसरों के होते तो होता

लेकिन अगर वो रिडीमेबल और कन्वर्टेबल है देन वॉट्स आई शुड डू इन दिस पर्टिकुलर सी केस वाज द ऑप्शन अगर ऑप्शन इश्यूअर के पास है कंपनी के पास है आई वुड इन दैस केस से कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ बाई गिविंग फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फिक्स होना चाहिए देन इन दैट केस इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इर रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट माई इंटेंशन इज बट अगर होल्डर के पास है तो उस केस में हो सकता है होल्डर कैश ले हो सकता है शेयर ले अगर वो कैश मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगी मैं नहीं बोल सकता मेरे शेयर ले ले भाई यानी मेरे सर पर ऑब्लगेशन है आई के नॉट अवॉइड इट इट डिपेंड्स प्योरली ऑन हिम वॉट ही हैज टू डिसाइड एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन देर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन टू पे कैश वेदर ऑर नॉट ही एक्चुअली टेक्स कैश ऑन द ड्यूरेट और कन्वर्ट्स इस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंशन ऑफ वेदर दे वॉन्ट टू रिडीम और कन्वर्ट इंटेंशन जो भी हो होल्डर का क्योंकि मैं नहीं बच सकता अपने हाथों से मैं एज इन कंपनी नहीं बच सकती अपनी चॉइस पे इस आउटफ्लो से इसलिए दोनों के इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी

रिडीम करा तो एट पार रिडीम होगा लेकिन कन्वर्ट किया तो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने हैं पर जो शेयर देने हैं उन शेयर की मार्केट वैल्यू एट कैश जो पेमेंट करना है उसकी दस गुना है टेन टाइम्स इसलिए कंपनी चाहे तो उसे कन्वर्ट कर सकती है इक्विटी शेयर देके बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस कंपनी ऐसा नहीं करने वाली है क्योंकि दस गुना ज्यादा वर्थ की चीज कौन देगा जब एक गुना दे सेटलमेंट पॉसिबल है मेरे चॉइस पे स्पेसिफिकली इंडेज कहता है कि जब आपने अपने पास कोई एक ऐसे ऑप्शन रखे हैं जो सब्सटेंसिव नहीं है क्या मतलब सब्सटेंसिव नहीं है दे आर नॉट यूजेबल दे आर नेम्स एक डालने के लिए डाल दिए गए ऐसे ऑप्शंस को इग्नोर करके क्लासिफिकेशन किया जाएगा क्योंकि सब्सटेंस में दे डू नॉट आर रियलिस्टिक सब्सटेंसिव सब्सटेंशियल यूजेबल ऑप्शन मीनिंग इसका यह है कि अगर आपको पाँच दस गुना इनफैक्ट आपको उस सौ रुपये के प्रटेंश शेयर पर सौ रुपये कैश दे सकते हो या सौ इक्विटी शेयर दे सकते हो आज मेरा एक इक्विटी शेयर दस रुपये पे ट्रेड हो रहा है हो सकता है वो बाद में एक रुपये हो जाए सौ रुपये हो जाए बट मुझे मालूम है मैं यूज़ नहीं करने वाला तो फिर ऑप्शन रखा ही का है, को शायद मैंने जान करके इसलिए रखा होगा क्योंकि मैं बता दूंगा कि भैया मेरे पास ऑप्शन है शेयर देने का या कैश देने का अच्छा है वो इन्वेस्टर तो बहुत खुश होगा अगर शेयर दिए उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे बट आई फॉर अ फैक्ट नो कि मैं नहीं देने वाला हूँ तो भले ही यहाँ पे लीगली मेरे पास ऑप्शन है बट सब्सटेंस में ऑप्शन एक्सरसाइजेबल नहीं है तो मेरा क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल लाइबिलिटी का होगा इग्नोरिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है दो चीजों में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव काउंट नहीं होगी ऑब्लिगेशन देखेंगे तो एंटिटी के हाथ में अवॉइड करना नहीं होना चाहिए ये चेक करने के लिए सब्सटेंस देखा जाएगा सिर्फ नाम के लिए एंटिटी अवॉइड कर सकती है बाय गिविंग इट्स ओन इक्विटी शेयर्स देन इन दैट केस अगर वो प्रैक्टिकली इन ऑल पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज इट इज मेनी टाइम्स मोर देन द कैश सेटलमेंट ऑप्शन वर्थ देन इन दैट केस यू विल इग्नोर दैट ऑप्शन एंड प्लस ऐसा एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में जिसमें कहा गया है कि आपने कोई बॉन्ड इशू किया है जिसको आप इक्विटी शेयर देकर कन्वर्ट कर सकते हो पर चाहो तो आप अपनी बिल्डिंग भी दे सकते हो बिल्डिंग की कीमत इक्विटी शेयर जितने देने उसकी कीमत से दस गुना ज्यादा है बताइए क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है क्योंकि इसमें नॉन फाइनेंशियल आइटम में सेटलमेंट होगा बिल्डिंग तो हमने आंसर दिया कि बिल्डिंग देने का सवाल नहीं के बराबर है बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू जो हमें शेयर देना है उससे कई गुना ज्यादा है तो उसको इग्नोर करके अगर हम देखें तो अल्टीमेटली क्योंकि इसमें सेटलमेंट इक्विटी शेयर के थ्रू होना ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सामने वाले को इक्विटी शेयर मेरी कंपनी के मिलेंगे फाइनेंशियल एसेट मैं इक्विटी शेयर दूंगा मेरे मेरे लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैंस है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिल्डिंग देना यानी नॉन फाइनेंशियल आइटम देख इसको सेटल करना इग्नोर कर दिया है क्यों क्योंकि वो अपने आप में सबस्टेंशियल नहीं है सपोज वो सिमिलर वैल्यू की होती फाइनेंशियल आइटम्स सो एप्लीकेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वट इज अनेशियल लाइबिलिटी वेरियबल नंबर वाला अंबान में डिस्कस करेंगे एंड देन वी है इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट रेसिडल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी नेट एसेट यानी सारी सारीट बेच के जो पैसा आएगा उससे सारी लाइबिलिटी पे करके जो पैसा बचेगा उसमें जिनका इंटरेस्ट होगा वो इक्विटी तो इक्विटी इंटरेस्ट होल्डर्स उन्हें कहते हैं दोस्तों वो स्टेक इन दी जिसका मतलब बचा कुछा लेते हैं घर में जैसे माँ होती है वो कहती है कि भैया सब खा लो फिर बचा हुआ मेरा है बस ये वही है कभी कम बच गया तो वो ये नहीं बोलेगी क्यों तुमने कम बनाया बोलेगी अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी थी ना कम बना तो कोई बात नहीं इक्विटी शेयर होल्डर भी ऐसी होते हैं इक्विटी भी ऐसी होती है वो कहते हैं कंपनी के प्रॉफिट कम बचे लॉस में चली गई मेरा नुकसान है ना मेरी कंपनी है कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा मिल गए चलो बढ़िया है मेरे को ज्यादा मिल गए यानी ये बच्चा कुछ लेते हैं यानी रेसिडियल इंटरस्ट है दे फॉर अ फैक्ट विल नॉट एज अ राइट टू डिमांड समथिंग की मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए तो ये तीन आपकी टर्म्स हो गई वन इज फाइनेंशियल इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड देन यू हैव इक्विटी इज अकाउंटिंग इनकी होती है बट <clears throat> इस पूरे के कुछ एक्सेप्शन हो कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी पैरा सिक्सटीन ए बी सी डी कोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोपोर्शनल शेयर इन नेट एसेट्स ऑन लिक्विडेशन वाले फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स रख के भी इक्विटी हो जाते सिमिलरली कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन में आती है फिर भी इस इंडेज से एक्सक्लूडेड लेट्स टॉक अबाउट दोस इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इंक्लूजन में ध्यान रखना तीन चीजें स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में कवर होती है

तो उसके नॉन परफॉर्मेंस के कारण मैं उसे परफॉर्म करके दूंगा ये परफॉर्मेंस गारंटी है फाइनेंशियल गारंटी कवर होती है परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्मेंस गारंटी कंटेंजेंट लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंस लाइबिलिटी आ रही है उसमें और फाइनेंशियल गारंटी को आप कंटिजेंट लाइबिलिटी शो नहीं करोगे गठान बांध लो इस बात को एकदम फिट कर लो उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी एफ फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग वन में देखिए कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड से एक्सक्लूडेड है जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडी जीवी एसोसिएट आपने किया है तो ये इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग इंडेस ट्वेंटी सेवन के शेयर बेस्ड पेमेंट की अकाउंटिंग वन जीरो टू में होगी एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड आपके कोई खर्चे हैं तो उसकी अकाउंटिंग एम्प्लाई बेनिफिट के उन्नीस स्टैंडर्ड में होगी लीज से रिलेटेड कुछ है तो उसके ऊपर एक सौ सोलह लग जाएगा प्रोविजन जितने भी आप बनाते हो सबके ऊपर इंडेक्स थर्टी सेवन लगेगा ध्यान रखना आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसमें बोला है कि भैया पसंद नहीं आया तो वापस लेना और रिफंड कर लेना रिटर्न so किया तो देना पड़ेगा तो इसका मतलब ये फैंशियल लाइबिलिटी हो सकती है बट इस पे प्रोविजन बनाते हैं एज पर इंडेट थर्टी सेवन प्लस प्रोविजन ऑफ वन वन फाइव रेवन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर को अपलाई वो लगेगा ये नहीं लगेगा स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है तो जितने भी जगह प्रोविजन बन रहे हैं ये स्टैंडर्ड भूल के भी मतलब आ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और लोन कमिटमेंट्स primarily एक्सक्लूडेड है देर could be सम exceptions यहाँ पे यहाँ पे कवर होगा वन जीरो नाइन में इसको डिस्कस करेंगे ऐसे भी वन जीरो नाइन का एक्सक्लूजन है अपन ने दोनों थर्टी टू और वन जीरो नाइन के सेम है थर्टी टू के सारे वन जीरो नाइन में ये स्पेसिफिक वन जीरो नाइन में एडिशनल है ये इंक्लूडेड है नॉन आइटम इंक्लूडेड है वेलकम टू दैट डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट की है अकाउंटिंग फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की होती है

आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जमीन खरीदने का जिसमें आपने सामने वाले को बोला है कि साल भर बाद मैं तेरी जमीन दस लाख रुपए में तुझसे खरीदूंगा आई पेम कैश टेन लाख जमीन लैंड टेन लाख रुपीज आज उसकी डिसाइडेड प्राइस उस समय जो भी मार्केट वैल्यू होती है। क्या यह कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें जमीन आएगी और कैश जाएगी तो दस का मतलब यह हुआ कि अगर यह कॉन्ट्रैक्ट में कमिटमेंट आ चुका है क्या आ चुका है कमिटमेंट आ चुका है कि भैया साल भर बाद दस लाख देना ही है जमीन लेना ही है नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो सर टेक्निकली तो देने वाले के सर पे ऑब्लिगेशन आ चुका है पैसे देने का फाइनेंशियल लाइबिलिटी लेने वाले के हाथ में पावर आ चुका है पैसे मिलने का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश फाइनेंशियल असेट तो यह तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया ऊपर सर इसकी अकाउंटिंग इस स्टैंडर्ड में थोड़ी ना होती है क्यों क्योंकि ये तो पीपी -पी सेल करने जैसी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल करने जैसा कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया तो बताओ उन स्टैंडर्ड में इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई जब आप सेल करोगे तब अकाउंटिंग करेंगे नॉर्मली आपको एक चीज होना चाहिए दोस्तों कि जब कस्टमर ऑर्डर देता है माल खरीदने के लिए हमारे पास सेल्स ऑर्डर आया तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है जब हम माल डिस्पैच करते हैं तब हम सेल बुक करते हैं वो परचेज बुक करता है सिमिलरली आज कॉन्ट्रैक्ट किया है एक साल बाद जमीन बेचने का जो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो आज मैं अपनी बुक्स में कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा एक साल बाद करूंगा इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली अन इक्वली परफॉर्मड है दोनों ने परफॉर्म नहीं किया सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग नहीं होती जब तक वो ऑनरस ना हो बहुत सारा इंटरलिंकेज है तो फिर यहां क्या पढ़ रहे हैं तो ये इंडेक्स कहता है कि भले ही इसमें एक को पैसा देना है एक को पैसा मिलना है इसलिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन सकती है पर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन फाइनेंशियल आइटम से रिलेटेड है इस इंडेक्स में कवर नहीं होगा तो यहां पे मत करना इसकी अकाउंटिंग दूसरे स्टैंडर्ड में कर लेना प्रोवाइडेड इसमें डिलीवरी से सेटलमेंट होने वाला यानी नेट सेटलमेंट नहीं होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े से मॉडिफिकेशन करके कह दू कि साल भर बाद में आपको दस लाख रुपए दूंगा और आप मुझे आपकी जमीन दोगे पर अगर, अगर अपन चाहें तो अपन जमीन का लेन देन करने की बजाय जो भी प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ है उसका कैश में सेटलमेंट कर सकते हैं तो आफ्टर वन ईयर जमीन की वैल्यू ग्यारह लाख हो गई तो खरीदने वाला बोलेगा ओ बल्ले बल्ले शाबाश दस लाख रुपए दूंगा जमीन मिलेगी ग्यारह में बेचूंगा लाख रुपए तो बेचने वाला बोलेगा अरे यार पहले क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आज बेचता तो 11 मिलते वो बोलेगा चलो ठीक है कभी प्राइस गिर जाती 8 लाख होती तो मैं खुशी मनाता वो दुख मनाता तो हमने बोला है चलो कोई जमीन का लेनदेन नहीं होने वाला इस साल भर बर्बाद अपन क्या करेंगे जो भी डिफरेंस ऑफ एग्रीड प्राइस एंड मार्केट वैल्यू उसका लेनदेन कर लेंगे इसे बोलते हैं नेट सेटलमेंट व्हिच विल बी सेटल्ड इन कैश तो टेक्निकली स्पीकिंग जमीन फिर आपके लिए सट्टा लगाने का सिर्फ एक अंडरलाइन असट था एक्चुअल में एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरवर्ड डेरिवेटिव टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत आप यू कह लीजिए कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें आप सिर्फ एक चीज की प्राइस के ऊपर नीचे के आधार पर कैश में सेटलमेंट करोगे अब तो ये लॉजिकली इस इंडेक्स में कवर होना चाहिए दोस्तों देन इन दिस केस दिस हैज टू बी कवर्ड इन स्टैंडर्ड हेंस इट विल बी कवर्ड अंडर इंडेक्स थर्टी टू वन जीरो नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इफ यू इंटेंड टू सेटल इट नेट तो कोई नॉन फाइनेंशियल आइटम आइटम लैंड इज अ नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी शेयर का होता तो इसमें कैश में सेटल करो या नहीं करो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, है।, है जैसे कि लैंड हो सकता है इन्वेंट्री हो सकती है कमोडिटीज हो सकती है अगर इसमें नेट सेटलमेंट का ऑप्शन है और आपका इच्छा नेट सेटलमेंट करने का है तो उस केस में अपने आप में ये सिर्फ दिखाने के लिए लैंड का परचेज सेल है ये और अगर ये स्टैंडर्ड लगेगा तो इस स्टैंडर्ड में पता है इसकी डेरिवेटिव जैसी अकाउंटिंग होगी रिपोर्टिंग डेट पे आपको इसे फेयर वैल्यू पे मेजर करना होगा अगर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता तो जिस दिन लैंड बिकता सीधे उस दिन अकाउंटिंग होती ये स्टैंडर्ड लगेगा तो अगर एक साल बाद लैंड बिकना और इस दौरान बीच में बैलेंस शीट या कोई रिपोर्टिंग डेट आ गई तो उस दिन आपको फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना होगा लैंड की मार्केट वैल्यू पचास हज़ार बढ़ गई है तो जिसने खरीदने की बात की थी वो पचास का गेन और बेचने वाले को पचास हज़ार का लॉस बुक करना होगा ये गेन और लॉस भी पी में जाएगा यानी अकाउंटिंग बड़ी अलग होगी इसलिए मैटर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है पर प्रॉब्लम एक अलग सी आ गई मैंने लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया एक साल बाद दस लाख रुपए पे मैंने लैंड एग्जाम्पल में इसलिए लिया ताकि एकदम क्लियरली समझ में आए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिर भी इस पे ये स्टैंडर्ड क्यों लग सकता है मेरी इच्छा थी लैंड खरीदने की उसकी भी इच्छा थी लैंड बेचने की लेकिन कभी कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो हमने सेफर साइड पर एक ऑप्शन रखवा लिया कि भाई साल भर बाद अगर कभी ये डील नहीं हो पाई किसी कारण से तो फिर जो भी प्राइस का डिफरेंस है वो कैश में सेटल होगा यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट का ऑप्शन है पर पार्टी इसका इंटेंशन नहीं तो पहला केस क्या था कोई नेट सेटलमेंट नहीं है क्लियर नॉन फाइनेंशियल आइटम नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल दूसरा नेट सेटलमेंट ही इंटेंशन है उसका ऑप्शन भी है डेफिनेटलीस बीच में अटक गए सेटल करने का पर इंटेंशन नहीं यहाँ पे प्रोविजन काम आता है जो कहता है कि अगर आपके पास नेट सेटलमेंट ऑप्शन है ऑप्शन है तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करोगे अनलस इट मीट्स एंटिटीज ओन यूज परचेज सेल यूजर्स रिक्वायरमेंट जिसे बोलते हैं अनलस इट मीनस एंटिटीज ओन यूज एग्जामेशन रिक्वायरमेंट अगर एंटिटी ने यह पर्टिकुलर डील अपनी खुद की परचेज यूज या सेल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए की है तो फिर उस केस में आप इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना माने इस इंडेक्स में अकाउंटफॉर्म ना करें अनलेस इससे कोई अकाउंटिंग मिसमैच पैदा हो रहा है मिसमैच बाद में देखते हैं तो इसका मतलब अगर आपने ऑन यूज एग्जामिशन मीट किया है तो नॉन फाइनेंशियल आइटम है इस इंडेक्स में कवर मत करना पर ऐसा नहीं है कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट है या बेचने वाले की रिक्वायरमेंट है उल्टा ऐसा भी हो सकता है खरीदने वाले की रिक्वायरमेंट है पर बेचने वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं बेचने वाला बोलता है बिक गई तो भी ठीक है नहीं बिकी तो भी ठीक है मेरी कोई इच्छा नहीं है बेचने की मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जमीन के आने वाली इसकी कीमत गिरने वाली है तो मैंने दस लाख रुपए में आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैं तो फायदे में ही रहूंगा बेचना पड़ी तो दे दूंगा कहीं और वापस खरीद लूंगा नहीं बेचना पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है पड़ी रहेगी पर खरीदने वाले को वाकई यूज करने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में क्या होगा मजे की बात यह है ऐसा दोस्तों कि ओन यूज एग्जाम्पन बायर के लिए मीट हो रहा है पर सेलर के लिए नहीं तो बायर इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेगा सेलर पर सर आपने तो बोला था कि एक के लिए फाइनेंशियल दूसरे के लिए लाइबिलिटी इक्विटी होगी इसलिए बोला नॉन फाइनेंशियल आइटम स्पेसिफिकली अलग से इंक्लूडेड होती है इस इंडिया तो अब यहाँ खेल पूरा इंटेंशन का हो गया है अगर आप ओन यूज एग्जाम्शन रिक्वायरमेंट यानी खुद के यूज के लिए रख रहे हो तो ये एफ नहीं है अदरवाइज ये एफ है अब इसमें कैसे पता पड़ेगा कि अपन इसको ओन यूज के लिए रख रहे हैं या नहीं इंटेंशन के अलावा क्या और कोई तरीका भी है ये पता करने का तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन देर आर दीज फोर पर्टिकुलर केसेस जहां पे ऐसा माना जाता है दोस्तों क्या कि नेट सेटलमेंट ऑप्शन होगा ही क्या चार केसेस हैं पहला अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो मान लेना नेट सेटलमेंट ऑप्शन है दूसरा नेचर ऑफ आइटम ही ऐसी है कि आप उसको खरीद के मार्केट में बेच सकते हो तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड फाइनेंशियल आइटम नहीं है नॉन फाइनेंशियल आइटम है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे खरीदोगे और कल जाके या उसी दिन पास में दुकान में बेच दोगे आसानी से बिक जाएगा तो ये डीम्ड है कि नेट सेटलमेंट ऑप्शन तीसरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है पर अपनी और बाहर के आए दिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और आपस में अपन नेट सेटल ही करते हैं चौथा अपन आपस में नेट सेटल नहीं करते पर मेरी हिस्ट्री नेट सेटल करने की है इन चार सिचुएशंस में दोस्तों माना जाएगा नेट सेटलमेंट ऑप्शन इसमें अगर आपके पास हिस्ट्री नेट सेटल करने की है या किसी एक पार्टी की हिस्ट्री है कि वो खरीद के मार्केट में बेच देता है तो उसे फिर हमेशा इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मानना है ये नॉन फाइनेंशियल आइटम नहीं होगी ये इंडेक्स लगेगा ही लगेगा लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन है या रेडिली रियलाइजेबल है तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन अपने हाथ में रखा नहीं है दिया है सामने वाले को तो फिर आप मान लेना कि यह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बहुत ध्यान से सुनना अगर आप पूरा समझना चाहते हैं रिवाइज करना चाहते हैं मैंने उसे बोला यार जमीन चाहिए दस लाख रुपए दूंगा एक साल के बाद जमीन दे देना उसने बोला देख भाई तेरे को चाहिए तो तू जमीन ले लेना ले, नहीं चाहिए तो नेट सेटल कर तेरे पास ऑप्शन है जो तेरी इच्छा मैं दोनों में मना नहीं करूंगा इसका मतलब सेलर राइटर ऑफ द ऑप्शन है सामने वाला बंदा होल्डर ऑफ द ऑप्शन ऐसी सिचुएशन में होल्डर की तो इच्छा है कि जमीन लेगा वो तो अपन देखते हैं नेट सेटलमेंट ऑप्शन है हाँ पर क्या ओन यूज रिक्वायरमेंट मीट करेगा ओल्डर का हाँ तो इस पर्टिकुलर केस में क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे उसके लिए नहीं अब आते हैं अपन सेलर के लिए सेलर बोलता है तेरी इच्छा तो रखना नहीं है तो मत रखना इंडिया बोलता है कि अगर आप राइटर ऑफ दी ऑप्शन हो राइटर ऑफ उप ऑप्शन यानी सामने वाले को ऑप्शन दिया है आपने आपके पास चॉइस नहीं है वो डिसाइड करेगा वैसा करना पड़ेगा देन पर्टिकुलर स आप मान लेना कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में उसको सेल करना नहीं हो तो भी ठीक है नहीं हो तो भी ठीक है। इसका मतलब आपको तो उसे नहीं पड़ेगा ये इसकी जैसी करेगा, वो नहीं करेगा। ऐसा इसमें दो तीन बातें और ध्यान रखना किसी चीज को नॉन फाइनेंशियल आइटम आप तब क्लासिफाई करोगे जब आपका इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करते समय और बाद में दोनों समय पर डिलीवरी लेने का था अगर आपका शुरू में इंटेंशन डिलीवरी लेने का नहीं था तो बाद में भले ही डिलीवरी का इंटेंशन हो जाए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही माना जाएगा शुरू में डिलीवरी लेना था लेकिन बाद में किसी कारण से नेट सेटलमेंट हो गया तो शुरू में नॉन फाइनेंशियल आइटम है फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा ये पॉसिबल पहली चीज दूसरी चीज सपोज आपकी ओन यूज रिक्वायरमेंट है सॉ टन की तो आपने कोयले का कॉन्ट्रैक्ट किया है सॉ टन कोयला तीन महीने बाद खरीदने के लिए कोयले की प्राइस आपको उम्मीद है बढ़ेगी तो आप चाहते हो नेट सेटिल भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पर अपनी यूजेज रिक्वायरमेंट अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने बोला प्राइस बढ़ी रही है तो एक टन खरीदने की बात कर लेता भैया यूज ही नहीं आएगा अब और पचास टन तो क्या करोगे अरे मार्केट में बेच के पैसे बना लूंगा तो ऐसे में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है यानी आप 150 लेके या तो 50 मार्केट में बेच सकते हो या उसी को बोल सकते हो 100 डिलीवर कर दे या 50 नेट सेटल कर दे अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप 100 को नॉन फाइनेंशियल आइटम मानोगे और ये स्टैंडर्ड नहीं लगाओगे बचे हुए 50 टन के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान के उसे डेरिवेटिव की तरह एफ पी अकाउंट फॉर करोगे ये स्टैंडर्ड लगेगा पर अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा देन इन दैट केस पूरे को आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानना पड़ेगा अकाउंटिंग मिसमैच एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया मतलब इसका ये होता है कि आप समझिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटरमीडियर हूँ लैंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टी है इसके पास जमीन है इसको जमीन चाहिए ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है मुझे जानते ये भाई आया उसने बोला यार वो जमीन किसके है? पता है क्या मुझे खरीदने की इच्छा है मैंने बोला यार जा मेरे पास ही है वो जमीन तो तू तो समझ अपने पास ही है तुम तो बोला रजिस्ट्री दिखाओ हमने बोला तू मान ले अपने पास ही उसने तो बोला अच्छा चलो ठीक है तो मैं तुमसे खरीदने को तैयार तो लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी दिस इज मी हा ए ने मी को बोला कि आई वांट टू बाय द लैंड मैंने बोला ओके आई एम रेडी टू सेल दिस लैंड टू यू तेरी इच्छा हो तो लेना नहीं हो तो मत लेना चल यानी मैं राइटर ऑफ द ऑप्शन क्योंकि मैं राइटर ऑफ द ऑप्शन हूँ और इस कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा मैंने बोला आपको तो मेरे लिए मजबूरन ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया अब अगर उसने मुझसे ज़मीन मांगी तो वो होल्डर है वो मांगेगा तो देना पड़ेगी तो मैंने इस पार्टी इससे बी तो ए के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए उसके लिए नहीं अगर उसका इंटेंशन डिलीवरी लेना है अब मुझे ज़मीन चाहिए मेरे पास है नहीं तो मैं गया बी के पास मैंने बोला भैया जमीन चाहिए उसने बोला चल ले लो उसमें भी नेक्स्ट सेटलमेंट ऑप्शन था लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है मैंने तो लेना ही लेना है ऐसा मैंने उसको बोला आई एम द होल्डर उसने बोला चल तेरे पास है, तेरे को लेना है तो ले नहीं लेना तो नहीं ले वो राइटर बन गया अब मेरा इंटेंशन यहाँ पे वाकई डिलीवरी लेना है क्यों क्योंकि अगर उसने मांगा तो देना पड़ी तो आप टेक्निकली समझो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास ऑप्शन नहीं है वो डिसाइड करेगा उसको चाहिए या नहीं लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास ऑप्शन है मैं चाहूंगा तो लूंगा नहीं चाहूं तो नहीं लूँ तो मैं राइटर ऑफ द ऑप्शन नहीं हूं ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरी वाकई इच्छा लेने की है तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या कहलाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कलाएगा या नहीं तो अगर डिलीवरी लेने की इच्छा है तो ये नॉन फाइनेंशियल आइटम हो जाएगा कंफ्यूज में तो ना औरे हो तो रिवेंट करके सुनना इस कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ मुझे जो लेना है लैंड उसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो लूँ नहीं चाहूं तो नहीं लूँ आई एम नॉट द राइटर ऑफ दी ऑप्शन होल्डर ऑफ दी ऑप्शन और मेरी इच्छा है वाकई लैंड लेने की तो ये अपने आप में नॉन फाइनेंशियल आइटम का कॉन्ट्रैक्ट है स्टैंडर्ड नहीं लगेगा पर यहां पे मैं राइटर हूं तो ये अपने आप में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा अब ये दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है अगर इसे आप एफ आई मानोगे गेन लॉस बुक करोगे नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का नेट गेन गेन लॉस लॉस ही आपका है है इसे बोलते हैं अकाउंटिंग मिसमैच दो कॉन्ट्रैक्ट इंटर रिलेटेड एक एफ हो रहा है और एक नहीं हो रहा है तो आप दोनों को एफ आई मानोगे इंडे वो नाइन बोलता है नॉन फाइनेंशियल फाइनेशियल ठीक है ज्यादा वन डे समझना है तो फिर आप बैच करिए बैच के वीडियो सुनिए सॉरी ये रिविजन हो गया नेक्स्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कंडीशन है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे बैच कई बार प्राइवेट इक्विटी में जो पैसे लगाते हैं या म्यूचुअल फंड में जो यूनिट होल्डर होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि भैया हम आपकी कंपनी में पैसे लगाते हैं ये लोग पाँच करोड़ रुपए और कंपनी का दस परसेंट इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा पर मुझे एग्जिट चाहिए मुझे पैसा रखना नहीं है आगे लंबे समय तक आप पाँच साल बाद एग्जिट दे दो पाँच साल बाद में शेयर दे दूंगा आप मुझे पैसे देना तो टेक्निकली स्पीकिंग जो इक्विटी शेयर मैंने उस कंपनी में खरीदे हैं एज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर उसके बदले में क्या होने वाला है मुझे कैश मिलने वाली है कब पाँच साल बाद तो ये कंपनी के लिए इक्विटी शेयर नहीं फाइनेंशियल लाइबिलिटी है क्यों फाइनेंशियल लाइबिलिटी है क्योंकि उसको कैश देना है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा भले वो इक्विटी शेयर का है पर पांच साल बाद एक तरह से आप समझो कंपनी को बाय बैक करना अनिवार्य है याचीता है हो okay? गए ऐसी सिचुएशन में उसे इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी पर ये तो आम बात हो सकती है म्यूचुअल फंड वगैरह में ऐसा होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कि आप कभी भी यूनिट पुट कर दो और पैसे ले लो म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी एनबीएफसी है उसकी अकाउंटिंग इंडिया में हो सकती है अब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में तो क्या कहता कहता है है वो कि अगर पांच कंडीशन पैरा सिक्सटीन ए की प्लस दो कंडीशन पैरा सिक्सटीन बी की अगर सेटिस्फाई होती है तो इसे पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा और पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्पाइट हैविंग अ ऑब्लिगेशन टू पे कैश ऑन द कंपनी विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी फाइव कंडीशन ऑफ पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर वन वॉट इज अ पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट अंट्रोमेंट कॉन्ट्रेक्ट दैट एंटाइटल्स द होल्डर टू पुट द इंस्ट्रूमेंट ंग ऑफ सन अनसर्टन इवेंट डेथ और एनी अदर इवेंट लाइक पासजाइम वेर वेन ही पुट्स द इंस्ट्रूमेंट बैक टू दंपनी द कंपनी वुड बी पेइंग बैक टू द इंस्ट्रूमेंट होल्डर द प्रपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी तो सबसे पहली कंडीशन क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट है दूसरी कंडीशन क्या है वो पुट कर सकता है कब कर सकता है कंटेंजेंसी होने पर कुछ समय पूरा होने पर ऐसी कोई कंडीशन पे अगर वो पुट करेगा तो उसे क्या मिलेगा इससे रिलेटेड आप पांच कंडीशन सुनिए सबसे पहली चीज उसे प्रपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मिलना चाहिए यानी अगर आपका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को आपने प्रॉमिस कर दिया कि भैया मैं तुझे क्या करूंगा फिक्स एक शेयर पे मिनिमम सौ रुपए दूंगा तो ये पुटेबल नहीं हो सकता पहली कंडीशन पुटेबल की क्या होती है यू टू ओनली हैव अ राइट टू क्लेम प्रपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स प्रपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स क्लेम करने का मतलब क्या हुआ तो ये कैसे निकाला जाएगा बुक वैल्यू के बेसिस पे नहीं फेयर वैल्यू आपकी सारी एसेट की फेयर वैल्यू माइनस की फेयर वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट वैल्यू हो गई जितने यूनिट उतना पे करोगे अगर ऐसी प्रॉमिस की है कि ही दूंगा और कुछ नहीं इसमें गुडविल को भी वैल्यू कर सकते तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई दूसरा ये मोस्ट सबॉर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए तुम्हारी कंपनी में दो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि दो इक्विटी होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट है पर उसमें हमने एक को बोला है कि पहले तुझे पैसे देंगे यानी पहला तेरा पुट का ऑप्शन है तू अगर एक्सरसाइज करेगा देन इन दैट पर्टिकुलर केस या नहीं करेगा उसके बाद दूसरे को ऑप्शन देंगे तो इस पर्टिकुलर केस में जो मोस्ट सबॉर्डिनेट कैटेगरी है वही पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दूसरे को आपको मानना पड़ेगा कि वो अपने आप में लाइवलिटी थर्ड जो मोस्ट सबॉर्डिनेट है उनके भी एक जैसे राइट right होना चाहिए तो सपोज मेरी कंपनी में तीन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे सबसे पहले को बोला भैया सबसे पहले तुझे ऑप्शन देंगे बाकी दोनों को बोला इनके बाद आप दोनों को ऑप्शन मिलेगा पांच साल बाद आप पुट कर दो तो, प्रपोर्शन शेयर इन ने बाकी दोनों में है मोस्ट सबॉर्डिनेट पर दोनों में फर्क यह है कि एक की वोटिंग राइट right दूसरे से थोड़ी ज्यादा है ऐसा पहले से डिसाइडेड है तो ये दोनों ही पुटेबल नहीं होंगे क्यों क्योंकि जो मोस्ट सबॉर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट है उन सब की आपस में आइडेंटिकल राइट right होना चाहिए अगर एक की भी राइट right आइडेंटिकल नहीं हुई तो वो कोई भी पुटेबल नहीं होगा ये सब फाइनेंशियल लाइबिलिटी हुई है मोस्ट सबॉर्डिनेट में क्या होता है एक के पास प्रेफरेंस है एक के पास नहीं है तो जिसके पास नहीं है वो हो जाएगा पर आइडेंटिकल राइट right नहीं है तो दोनों ही नहीं होंगे ये तीसरी कंडीशन है इसमें कोई मिनिमम गारंटी या मिनिमम कैश फ्लो आप प्रॉमस नहीं करोगे इनफैक्ट जो टोटल उसकी लाइफ में उसको कैश फ्लो मिलेंगे दैट शुड ओनली रिप्रेजेंट जो उसकी कमाई है दैट शुड ओनली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द प्रोफिट और द दसेट्स ऑफ द कंपनी तो आज पैसा लगाया और पांच साल बाद जो पैसा उसको दिया और इतने सालों में अगर कोई डिविडेंड वगैरह दिया तो जो टोटल कैश फ्लो उसको मिले दैट शुड ओनली रिप्रेजेंट जो कंपनी ने कमाया है वो कमाया भले ही रियलाइज हो सकता है या अनरियलाइज्ड हो सकता है बट जो इंक्रीज इन इनसेट्स हुआ इस दौरान में उतना ही आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया ये पैरा सिक्सटीन ए की पांच कंडीशन है सिक्सटीन बी में तीन कंडीशन है कि और कोई दूसरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई आपने दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिससे इन बंदों का क्या हो गया है रिटर्न इंपैक्ट हो गया जैसे म्यूचुअल फंड्स के, के केस में आपने जो फंड मैनेजर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है जिसके अंतर्गत आपने बोल दिया कि भैया हमारे यूनिट होल्डर को प्रोपोर्शनल शेयर इन नेट ने एसेट्स हम देंगे लेकिन हम तुझे क्या करेंगे तुझे भी यूनिट होल्डर के पास फंड मैनेजर के पास भी यूनिट्स है तुझे भी हम क्या करेंगे वी विल गिव यू यूनिट्स तुझे भी उन यूनिट्स पे प्रपोजनल पैसा मिलेगा पर इसके अलावा हम तुझे क्या करेंगे 25 परसेंट कमीशन देंगे अब नॉर्मली फंड मैनेजर को कमीशन 5 परसेंट मिलती है पर इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने 25 कर दी तो इससे क्या हुआ सारे यूनिट होल्डर्स को एन मिल रही है नेट ने एसेड वैल्यू पर शेयर पर इसको पच्चीस पहले मिल रहा है इसके पच्चीस मिलने से ए इसका कैश फ्लो बढ़ गया बी दूसरों का कम हो गया इसलिए आप कोई भी पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है आप सबको फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासीफाई करोगे क्योंकि आप ओनर जैसा फील किसी को नहीं दे रहे हो एक को फायदा एक को नुकसान पहुंचा रहे हो तो कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसके फिक्स फ्लो हो जिससे कि प्रोपोर्शनल शेयर एंड नेट एसेट्स ने ऑफ एंटिटी अफेक्ट इसी पूरे में अगर आपने सामने वाले को बोला है कि ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तेरा पर इसमें हम सिर्फ लिक्विडेशन में तुझे पैसे देंगे और कभी नहीं मिलने तो फिर ये पैरा सिक्सटीन सी और डी की सारी कंडीशन सेम है एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पे ये दो कंडीशन नहीं है और यहाँ पे कंडीशन है कि लिक्विडेशन में ही पैसे देंगे बाकी सारी कंडीशन सेम है तो फिर कहा जाता है दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एंटाइटल टू प्रोपोर्शनट शेयर इन डिजेट ओनली ऑन लिक्विडेशन इन्हें भी पोटेंशियल इन्हें भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा और फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं मानेंगे ये सिक्सटीन ए बी और सी डी ओ अगर बाद में कोई पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी बन जाता है सॉरी लाइबिलिटी बन जाता है पुर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन फुलफिल हुई तो बैलेंस शीट में आप उसे इक्विटी दिखाओगे यानी इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और अलग से पोटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रोमेंट एंटायल्ली क्लासीफाइबल इक्विटी और अदर इक्विटी में दिखा दीजिए तो नॉर्मली अलग लाइन आइटम में उसको दिखा देते हैं उसके इंडेज वन में डिस्कलोजर्स भी देना होते हैं आप कोई पुर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था मैंने कोई और इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिए जो इससे भी ज्यादा सबॉर्डिनेट है तो ये नहीं बचा और नया वाला हो गया तो पुर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगी तो फेयर वैल्यू पे क्लासिफाई होगी और जो भी उस पर गेन लॉस होगा वो रिजर्व से एडजस्ट होगा उल्टा भी हो सकता है अभी तक कोई चीज इक्विटी थी और अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गई यानी अभी तक कोई पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जो पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था इनफैक्ट लेट मी रिपीट द होल डिस्कशन रिकी का अगर कोई पी एफ आई फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनता है तो फेयर वैल्यू पे बनेगा जो भी गेन लॉस है वो रिजर्व से एडजस्ट होगा अगर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी पी एफ आई बनती है यानी अभी तक वो क्या था मेरे मोस्ट सबॉर्डिनेट और उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट था मोस्ट सबॉर्डिनेट रेडिंग हो गया तो ये मोस्ट सबॉर्डिनेट हो गया अभी तक ये लाइबिलिटी था अब ये पुटेबल फाइनेंशियल फाइनेंशियलियलियंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई हो गया इसलिए इक्विटी हो गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इसे कैरिंग अमाउंट पर क्लासीफाई करोगे कोई गेन लॉस बुक नहीं ध्यान रखना कंसॉलिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुटेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को होल्डिंग एनसीआई में ऐड नहीं करेगी राधर इसे लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में शो किया जाएगा सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी जिसने पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया उसे इक्विटी में क्लासिफाई करती इन सब के बाद में स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे अपन खुद के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या अपने को मिल रहे हैं पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है बट स्टिल वी डन दैट खुद के इक्विटी शेयर अगर आप इशू करने के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें एक चीज समझना अगर आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर दोगे और बदले में आपको फिक्स पैसा मिलेगा सिडरेशन मिलेगा तो ही वो इक्विटी है इसे बोलते हैं फिक्स टू फिक्स टेस्ट अगर एक भी चीज फिक्स नहीं हुई तो फिर उस केस में वो फाइनेंशियल हो जाएगी क्विकली आई विश अ टेन परसेंट डिबेंचर विच इज कन्वर्टेबल आफ्टर फाइव इंटू टेन इक्विटी शेयर एक डिबेंचर है सौ रुपए का दस शेयर में कन्वर्ट होगा फिक्स है पांच साल बाद दस शेयर और एक डिबेंचर खत्म तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हुआ इसे इक्विटी मान लो लॉजिक क्या है इंडेक्स का अभी रिविजन में ज़्यादा लॉजिक नहीं पर फंडामेंटल ये है कि आज किसी से आप डिवेंचर के पैसे लेके उसको बोल रहे हो पाँच साल बाद तुझे फिक्स इतने शेयर दूंगा तो आप यूँ समझ लो वो आज से ही आपका इक्विटी होल्डर बन गया क्यों फॉर द सिंपल रीज़न कि आप उसको शेयर ही देने वाले हो वो भी फिक्स तो उसको तो मालूम है सौ रुपये के बदले में दस शेयर मिलने वाले आए नहीं तो पाँच साल बाद ब्याज की अकाउंटिंग क्या होगी वो साइड करो पर अगर आपने उसे बोला कि मैं तुझे पाँच साल बाद सौ रुपये के बराबर की इक्विटी शेयर दूंगा तो आज वो आपका इक्विटी होल्डर नहीं है क्यों क्योंकि वो गम सुख में आपके साथ ही नहीं है क्यों क्योंकि अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू गिर गई तो ज्यादा मांगेगा बढ़ गई तो उसको कम में भी काम चलेगा तो इसलिए कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन में आप इस डिवेंचर को फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासीफाई करोगे भले ही इसका सेटलमेंट इक्विटी शेयर में होना है क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ शेयर में नहीं होने वाला है तो यहाँ कंसडरेशन फिक्सड है एक डिबेंचर रिपे हो रहा है मुझे क्या कंसिडरेशन मिल रहा है रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी पर बदले में शेयर वेरिएबल जा रहे हैं तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी मैंने एक नया तरीका निकाला मैंने बोला एक डिवेंचर सौ रुपये का पाँच साल बाद दस इक्विटी शेयर दूंगा और ये दस इक्विटी शेयर की जितनी मार्केट वैल्यू होगी उतना परसेंटेज डिबेंचर रिडीम्ड मान लिया जाए अगर मार्केट वैल्यू सौ से कम हुई तो, तो सौ रुपये का डिवेंचर है दस शेयर दूंगा पाँच साल बाद अगर इन दस शेयर की मार्केट वैल्यू एट्टी रुपीज हुई तो माना जाएगा एट्टी परसेंट डिवेंचर ही रिडीम हुआ है तो बचा हुआ मैं कैश में दूंगा तो इसका मतलब आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहे हो दस ही दे रहे हो पर बदले में जो आपकी लाइबिलिटी पे हो रही है वो फिक्स नहीं है वो वेरी हो रही है तो इसके लिए बोलते हैं दैट द कंसिडरेशन इज वेरिएबल और ऐसी सिचुएशन में फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ये फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और दोनों ही वेरिएबल है मैंने बोला है कि भैया मैं इक्विटी शेयर आपको कितने दूंगा तो अस्सी रुपए की मार्केट वैल्यू की इक्विटी शेयर दूंगा और बचा हुआ पैसा जो है बीस रुपए का वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट इंडेक्स रेट और इन्फ्लेशन रेट आपको पे करूंगा कितना पे करूँगा तो यहाँ पे सब कुछ वेरिएबल है तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये डेफिनेटली तो ध्यान रखना किसी कॉन्ट्रैक्ट में आज ही आपने प्रॉमिस किया है सौ तो रुपए का है जिसमें आपने बोला है कि मैं उसमें पांच इक्विटी शेयर और पचास रुपए कैश दूंगा और ये फिक्स है और कुछ नहीं दूंगा पांच इक्विटी शेयर और पचास कैश इिस्पेक्टिव ऑफ जो भी प्राइस होगी तो दोस्तों ये अपने आप में फिर ए इक्विटी है क्यों क्योंकि आप इसमें पांच फिक्स शेयर दे रहे हैं। पर सर पचास कैश भी तो दे रहे हैं तो ये दोनों ही फिक्स है तो आप ये बोलोगे सौ के डिवेंचर में पचास रुपए कैश में और बचा हुआ इक्विटी में हो रहा है तो इसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे पार्ट ऑफ दिस विल बी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी पार्ट ऑफ दिस विल बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सो वॉट आर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो सेकेंड अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा फिक्स टू फिक्स में एक चीज ध्यान रखना इंडिया में एक कार्बार्ड बनाया गया जिसके अंतर्गत अगर कोई फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया जिसमें आपने बोला है सौ डॉलर का बॉन्ड है उसको ड्यू डेट पे हम दस इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर तो टेक्निकली आप जो दे रहे हो वो फिक्स दस शेयर है पर बदले में जो मिल रहा है वो सौ डॉलर है रुपी में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है तो टेक्निकली आपका कंसिडरेशन वेरिएबल है क्योंकि लाइबिलिटी कम ज्यादा हो रही है तो इंडेज में कहा गया है कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में उस फॉरेन करेंसी बॉन्ड की कन्वर्टेबल बॉन्ड की किसी भी फॉरेन करेंसी सॉरी किसी भी करेंसी में फिक्स वैल्यू है चलो ऐसे समझो आप कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में आप फिक्स शेयर दे रहे हो तो फिर आप जो बॉन्ड रिपे कर रहे हो वो किसी भी करेंसी में हो अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बॉन्ड उससे सेटल हो जाएगा तो माना जाएगा कि अपने आप में इक्विटी है फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं ऐसा है फारेस में नहीं होता इसलिए वहां पे इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाए इंडिया में रिलायंस ने खूब इशू कर रखे हैं इसलिए ऐसा नहीं कर पाए तो आप ये मत सोचना कि सौ डॉलर की कीमत तो आज की तारीख में सेवेंटी हो गई आज से एक साल पहले सेवेंटी फाइव हंड्रेड थी तो मेरी लाइबिलिटी तो फ्लक्चुएट हो रही है तो मुझे नहीं पता कितनी पे होगी आप सौ डॉलर का डिवेंचर दस इक्विटी शेयर से सेटल कर रहे हो ये काफ़ी है इसे आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई कर सकते हो चलिए अब कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर दोगे पर साथ साथ में हो सकता है कोई आप कैश भी दें जैसे कि दस परसेंट डिवेंचर साल बाद फिक्स दस शेयर में कन्वर्ट होगा तो इसमें दो कॉम्पोनेंट है एक प्रिंसिपल कॉम्पोनें है जो पांच साल बाद दस फिक्स शेयर में पे होगा और एक इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है जो पांच साल तक आपको ब्याज देना होगा इसकी इंटरेस्ट स्ट्रिप फाइनेंशियल लाइबिलिटी है इसकी प्रिंसिपल स्ट्रिप अपने आप में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है यह कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डे वन में आपको इसे स्प्लिट करना पड़ेगा बिटवीन फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे मेजर होगी बैलेंसिंग फिगर इक्विटी का आएगा तो टोटल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू माइनस फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू बैलेंसिंग फिगर इक्विटी इक्विटी रीमेजर नहीं होगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी वन में रीमेजर होती रहेगी और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स आपके इशू होंगे पर वो कंटिजेंट है तो ऐसे केस में अगर हर कंटिजेंसी का आउटकम फिक्स नंबर ऑफ शेयर ही है तो आप उसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना मान के इक्विटी मानो नहीं तो लाइबिलिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवेंचर इशू किया और उसमें कहा है कि अगर शेयर की मार्केट प्राइस एक के ऊपर चली गई तो मैं आपको तीन साल के अंदर अंदर दस इक्विटी शेयर दूंगा नहीं तो चार साल बाद दस इक्विटी शेयर दूंगा दोनों केस में दस इक्विटी शेयर ही देने वाला हूँ तो आप इसे आज ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना मान पर अगर नंबर ऑफ शेयर वेरी हो जाते हैं या एक केस में कैश एक में शेयर होती है, तो फिर ये पूरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासीफाई होती है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको अपने इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं मेरे शेयर मुझे कैसे मिलेंगे बाई बैक तो अगर आप बायबैक का ऑफर देते हो जिसमें आप बोलते हो कि सुनो 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 मेरे शेयर होल्डर सुनो आपके पास ऑप्शन है हम 25 परसेंट शेयर बायबैक कर रहे हैं आप लोग अप्लाई करो और जो भी अप्लाई करेगा उसको हम उसके शेयर लौटा देंगे उससे हम उसके शेयर ले लेंगे और इतना फिक्स पैसा लौटा देंगे या दे देंगे जिस दिन कंपनी ने ऑफर दिया उस दिन कंपनी के सर पे क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गया क्योंकि अब कंपनी के हाथ में नहीं है बचना अगर किसी ने अप्लाई किया तो आपको पे करना पड़ेगा प्रोवाइडेड सब्सक्रिप्शन आ जाए तो आपके हाथ में बचना नहीं है और अगर आपके हाथ में बचना नहीं है तो आप सिंपल सी बात बोलोगे अपने आप में एक फाइनेंशियल लाइविलिटी है तो इसका मतलब बाय बैक का ऑफर लाते से ही आ गया तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी कितने पे बुक होगी कैसे होगी इसकी अकाउंटिंग क्या होगी तो अकाउंटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी नंबर वन आपको क्या करना है जितनी आपको लाइबिलिटी पे करनी है आप उतनी लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो और उतने से इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं रिजर्व नहीं सिर्फ इक्विटी डेबिट कर दो तो आप क्या करोगे अकाउंटिंग इक्विटी डेबिट कर दो और लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो जब भी आप ऐसा कोई बाय बैक का ऑफर लेके आते हो नंबर वन अगर आपको लगता है कि आप पैसा जो देने की बात कर रहे हो वो आप आज पे नहीं करोगे दो साल बाद तीन साल बाद चार साल बाद पे करोगे तो उसे प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करो तो मैंने कहा कि सो साल बाद आपको मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट सिंपल का केस लेते हैं मैंने बोला भैया बाय का ऑफर है जितने भी लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लेते हैं टोटल पैसा मैं ट्वेंटी लाख रुपीज़ दूंगा और लच्चे मैं दस लाख के शेयर्स बाय कर लूँगा बा

से आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे जितने की इक्विटी शेयर कैपिटल आपने बाय बैक किया उतना आपको रिजर्व से कैपिटल रिडमशन रिजर्व में भी ट्रांसफर करना होगा ये इंडेक्स नहीं बताता है आईसीआई के मॉड्यूल में भी नहीं है पर आपको करना चाहिए आइडियली अगर क्वेश्चन आए बाय का तो अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या करेंगे वन जीरो नाइन में अवर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट फॉर होगी डे वन पे आपने ट्वेंटी लाख पे बुक करी थी अवर्टाइज कॉस्ट मेथड बोलता है कि भैया बाय बैक प्राइस अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो वो लेंगे उस केस में अगर कोई ब्याज लगेगा यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आगे जाके बढ़ेगी तो अपने को बढ़ाना पड़ेगी तो उस केस में उसका खर्चा बुक करना पड़ेगा तो उसे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे ध्यान रखना फाइनेंशियल लाइबिलिटी का इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा पीआरएल में जाता है अनलेस बोरिंग कॉस्ट में उसको कैपिटलाइज करने की बात की जाए ये बाय बैक की बात इसके अलावा आपको अपने खुद के शेयर कम मिल सकते हैं तो एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है विच इज़ नोन एज पुट ऑप्शन कंपनी ने बाय नहीं किया पर पुट ऑप्शन गाइड कर दिया यानी शेयर होल्डर को बोला है कि अगले दो साल में तुम्हारी जब इच्छा हो तुम अपने पास जो मेरी कंपनी के शेयर रखे हैं वो मुझे दे देना अब ये रेयर पॉसिबिलिटी है ऐसा होता कम है इंडिया में तो बहुत कम बट फिर भी हो सकता है तो तब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा तो मैंने ये कहा कि दो साल में जब आपकी इच्छा है मेरे इक्विटी शेयर अपनी कंपनी के शेयर होल्डर तुम चाहो तो मुझे वापस दे देना मैं लेने को तैयार हूँ होता कम ऐसे शेयर होल्डर ने है। ये तो बहुत बढ़िया बात है अभी देखो नॉर्मली बहुत ध्यान से समझना नॉर्मली अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें आप कहते हो कि अपन एक ऑप्शन आपस में लिखते हैं जिसमें आई एम राइटर ऑफ द ऑप्शन यू आर होल्डर ऑफ द ऑप्शन तुम चाहो तो ये एसेट मुझे बेच देना मैं खरीदने को तैयार हूं और ऑफ समथिंग लाइक दैट तो उसकी अकाउंटिंग डेरिवेटिव में होती है और वहां सिर्फ जो गेन लॉस होता है उसे बुक किया जाता है पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो और ये कंपनी खुद के इक्विटी शेयर में कर रही है और खुद का इक्विटी शेयर इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट और अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इस कारण से यहाँ पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसके अंतर्गत आई मॉड्यूल के अनुसार ये कहते हैं कि अगर आपने पुट ऑप्शन राइट किया है तो भले ही हो सकता है ऑप्शन एक्सरसाइज हो नहीं हो और क्योंकि आप कंपनी पुट ऑप्शन राइट कर रही है उसके सर पे ऑब्लिगेशन है इसे डेरिवेटिव जैसा ट्रीट मत करना आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानना डेरिवेटिव जैसा ट्रीट मत करना अंडर वन जीरो नाइन राधर जितना आपके सर पे ऑब्लिगेशन आ सकता है अगर उसने पुट के और पैसे देना पड़े उतने की फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट और इक्विटी डेबिट कर दो अगर ये ऑप्शन लैप्स हो गया तो एंट्री रिवर्स कर देना फाइनेंशियल लाइबिलिटी बाद में आप डेबिट और इक्विटी क्रेडिट कर देना और अगर एक्सरसाइज हो गया तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू कैश हो जाएगा और आपकी इक्विटी जो आपने पहले डेबिट की थी उसे खत्म करके एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व डेबिट कर दो यानी बाय बैक जैसी अकाउंटिंग अभी से कर दो भले ही आपने पुट ऑप्शन राइट किया है फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि बाय बैक में अपन बोलते हैं पच्चीस रुपए में हमारा शेयर हम बाय बैक करने को तैयार हैं पर अगर अपन किसी को ऑप्शन देते हैं कि यार दो साल तक जब तुम्हारी इच्छा है तब तुम क्या कर सकते हो ये शेयर हमें वापस दे सकते हो तो नॉर्मली हम उससे प्रीमियम लेते हैं एक बेसिक सिद्धांत और रूल सुन लो इक्विटी पे कोई भी प्रीमियम मिलेगा तो डायरेक्टली रिजर्व्स में क्रेडिट होगा इक्विटी इशू करने से रिलेटेड कोई खर्चा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी तो डायरेक्टली रिजर्व से डेबिट होगा लॉजिक ये है कि भैया खुद के शेयर इशू करने या वापस लेने पे जो खर्चा हो रहा है ये कंपनी का प्रॉफिट और लॉस नहीं है कैपिटल लेने देने में जो पैसा लगा वो कैपिटल का ही एडजस्टमेंट है तो इक्विटी बाय ऑप्शन राइट करने पर कोई प्रीमियम कंपनी को मिला है तो ये सीधे रिजर्व में जाएगा पी में नहीं जाएगा बस तो ये एक स्पेशल अलग सी चीज़ है जो बाय बैक के अलावा आपको ध्यान रखना है अदरवाइज पूरी बाय बैक की अकाउंटिंग होगी ऑप्शन ऐसा है कि दो साल बाद एक्सरसाइज करना तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करिएगा प्रेजेंट वैल्यू ले लेना ऑप्शन ऐसा है दो साल में कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी कल भी आ सकती है इट्स लाइक अ डिमांड लोन तो फिर आपको टोटल वैल्यू से लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी नॉर्मली ऐसा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये पेरेंट कई बार राइट करते हैं अपनी सब्सिडरी के शेयर्स पे तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे अगर आप देखेंगे एच लिमिटेड ने ऑप्शन दिया है ए को लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एस लिमिटेड फ्लिपकार्ट है जिसके कुछ शेयर्स बंसल ब्रदर्स के पास अभी भी हैं और वॉलमार्ट चाहता है कि यार वो शेयर बंसल से ले ले बंसल कई बार मना कर चुका है तो इसने इसको खुला ऑप्शन दे दिया है कि ए सुन तेरे पास जो पाँच परसेंट शेयर एस के हैं तू कभी भी चाहे तो हमें बेच सकता है हो सकता है ये पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो तो तू एस को देने की बजाय हमें दे देना हम लेने को तैयार है तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे क्या होगा एस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कोई मतलब नहीं हो तो इसे इक्विटी दिखाएगा पर यहाँ पे टेक्निकली आप देखोगे तो एच लिमिटेड ने ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एस के शेयर्स पे तो ये डेरिवेटिव होगा क्यों डेरिवेटिव होगा क्योंकि आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलायंस के शेयर खरीद बेच करने का या ऑप्शन राइट right करने का तो ये डेरिवेटिव है तो इसका मतलब एच ने जो ए को ऑप्शन दिया है कि तू एस के शेयर मुझे बेच सकता है ये एच के एस एफ एस में डेरिवेटिव है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम कंसोलिडेटेड में जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें माना जाता है पूरी ग्रुप एक एंटिटी है एच आर एस में के एक एंटिटी अब एच आर एस एक एंटिटी और उसने किसी थर्ड पार्टी ए जो यहाँ पे एन हो सकता है या हो सकता है लाइबिलिटी हो उसको ऑप्शन दिया है कि भाई तेरे पास इक्विटी या जो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है मुझे दे दो तो फिर इस केस में बाय बैक की अकाउंटिंग लग जाएगी तो मुद्दे की बात इतनी सी है कि होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी के शेयर जो किसी और के पास रखे उसे खरीदने का उसे ओपन ऑफर देती है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके ऊपर बाय बैक अकाउंटिंग लगेगी सेपरेट में नहीं लगेगी चलिए ट्रेजरी शेयर इंडिया में होते नहीं है इसमें कंपनी अपने शेयर खरीद के रख लेती है कैंसिल नहीं करती है री इश्यू कर देती है इंडिया में सात दिन में कैंसिल करना पड़ता है तो पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा आपने किया है तो आपकी बुक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ओन कंपनी आ जाएगा अगर आपने खरीद के रखे और कैंसिल नहीं किया तो अगर किसी कंट्री में परमिटेड है तो फिर आप ये जो आपने खुद के शेयर खरीदे और कैंसिल नहीं किए हैं इसे ट्रेजरी शेयर के नाम से रखना असेट साइड मत दिखाना इक्विटी साइड में ही इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल लेस ट्रेजरी शेयर और आउटर कॉलम में नेट दिखा देना पर सेट ऑफ मत करना शेयर कैपिटल से अलग से माइनस करके दिखाना कोई खास बात नहीं है भारत में यह केस एक स्पेशल केस में हो सकता है वो स्पेशल केस देखने की आज जरूरत नहीं है यह कब होता है जब सपोज फॉक्स और पॉश पॉश फॉक्स को खरीदना चाह रही थी उसके बीस परसेंट शेयर खरीद भी लिया गुस्सा हाँ गुस्सा आया तो फॉक्स वैगन ने सिक्सटी परसेंट शेयर पॉश के खरीद के अपनी सब्सिडरी बना ली इसे यानी शिकारी का शिकार कर दिया अब टेक्निकली फॉक्स वैगन जब पॉर्श के साथ कंसोलिडेट करेगी तो सब्सिडरी यानी पॉर्श के सारी असेट्स अपनी बुक्स में लाएगी जिसमें एक असेट होगा इन्वेस्टमेंट इन फॉक्स वैगन होल्डिंग कंपनी के शेयर सब्सिडरी सब्सिडरी बनने के बाद नहीं खरीद सकती पर पहले खरीदे रखे हुए पहले से खरीदे हुए तो रख सकती है कंपनी से आपके अनुसार तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में टेक्निकली स्पीकिंग पॉर्स का जो इन्वेस्टमेंट इन वॉक्स फॉक्स वैगन है वो दिखना शुरू हो जाएगा तो ये तो ऐसा लगेगा अपनी कंपनी ने अपने आप में इन्वेस्ट कर दिया हम किस में विश्वास रखते हैं खुद में तो हम पैसा भी खुद को देते हैं कैसी बात करें फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इसे ट्रेजरी शेयर जैसा यानी इस इन्वेस्टमेंट को आप इक्विटी से माइनस करके नेट आउटर कॉलम में दिखाएंगे इंडेस में ऑफसेटिंग की बात की गई है कहा गया है कि एक पार्टी से पैसे लेना है और उसी को देना है तो दोनों को अलग अलग दिखाना एक्सेप्ट दोनों कंडीशन फुलफिल हो पहला लीगल राइट right है दोनों को आपस में ऑफसेट करने का दूसरा पास सिस्ट्री है आपका इंटेंशन है आप ऑफसेट करें यानी एक सप्लायर है मेरा वो मेरा कस्टमर भी है उससे माल लेना देना दोनों चलता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है नेट सेटल होगा और अपनी पास सिस्ट्री भी कि अपन नेट सेटल करते हैं यानी नेट अमाउंट का ही लेन देन चलता है तो ही आप दोनों नेट करके दिखाना नहीं तो ट्रेड पेबल अलग अलग दिखाना और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो थर्टी टू में कहा गया है तीन तरह की चीज़ों का ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिस्क्रिशनरी पेमेंट और इंटरेस्ट ड्यू सबसे पहले ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है एनी कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ ट्रांजेक्शन इज टर्म एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है दैट कॉस्ट वुड हैव बीन अवॉइडेड हैड दैट ट्रांजेक्शन नॉट हैव है इसका मतलब अगर ट्रांजेक्शन नहीं होता तो वो कॉस्ट नहीं लगती एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ कंपनी को शेयर इशू करना थे उसकी ऑथोराइज कैपिटल कम थी उसको बढ़ाने का लीगल एक्सपेंस इनकर किया ताकि वो शेयर इशू कर सके क्या ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने का खर्चा ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर है द आंसर इज नो क्योंकि आपने ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाई फिर शेयर नहीं इशू किया तो जो पैसा आपने दिया है वो रिफंड नहीं होगा यानी वो खर्चा तो आपका सम कॉस्ट हो गया रिलेवेंट कॉस्टिंग वाली बात हो गई तो इसके लिए वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर इशू ऑफ शेयर नहीं है ये फंडा उस पर नहीं लगेगा इंडेज में देखो कहीं अकाउंटिंग दी हुई है क्या कहीं नहीं दी है में, में, तो कमीशन तो दूंगा ये मैंने लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट किया उससे ली कैसे करना है, उसको पैसा दिया, फिर डिसाइड किया शेयर इश्यू नहीं करना है तो भी पैसा देना पड़ा यह शेयर इशू एक्सपेंस अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इशू ऑफ शेयर नहीं बैंक से लोन लिया उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सीए को अपॉइंट किया सीए ने बोला भैया बैंक लोन सैक्शन होगा या नहीं होगा पैसे तो लूंगा ही लूंगा तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर लोन नहीं पर सीए को हमने बोला भैया सेंक्शन हुआ तो ही तुझे पैसे मिलेंगे तो जो कमीशन उसको दिया है, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है अब समझ लिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है तो ये समझ लो इक्विटी से रिलेटेड है तो रिजर्व से एडजस्ट होगी फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो फिर उस केस में उसको इंडेस वन जीरो नाइन में डील किया जाएगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा इक्विटी वाला पोर्शन रिजर्व से एडजस्ट होगा और असेट लाइबिलिटी वाला या लाइबिलिटी वाला पोर्शन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसके लिए होता है इश्यूअर के लिए समझना मैंने किसी कंपनी का कैश खरीदा या शेयर खरीदा या राइट टू रिसीव कैश है या शेयर है हर केस में फाइनेंशियल असेट है पर देने वाली कंपनी अगर फिक्स अपने इक्विटी शेयर दे रही है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है पर अगर वेरिएबल शेयर या कैश दे रही है तो लाइबिलिटी है तो देने वाले को ज़्यादा टेंशन है क्लासिफिकेशन का अकाउंटिंग अलग अलग तो उसके एक कॉन्ट्रैक्ट में आधा पोर्शन फिक्सड इक्विटी शेयर और आधा कैश है तो वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आधा या जो भी प्रोपोर्शन है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रमेंट स्क्रिफ इश्यूअर के लिए होते हैं तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है वन जीरो नाइन में अकाउंट फॉर अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इक्विटी वाला रिस्व से एडजस्ट हो जाएगा किसी भी केस में अगर आपके फाइनेंशियल असड पे आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम होती है तो ये हमेशा इनकम प्योर में जाएगी अनलेस कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली दूसरी बात करे जैसे डिविडेंड स्ट्रिपिंग अपन देखते हैं तो वन जीरो नाइन में वो कॉस्ट से कुछ केस में एडजस्ट होती है बट अगर कॉस्ट एडजस्ट नहीं हो रही है तो प्योर में जाएगी ओसीआई में कभी नहीं जाएगी क्या इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम सिमिलरली कोई लाइबिलिटी पे ब्याज का खर्चा है वो हमेशा प्योर में जाएगा अनलेस कोई दूसरा स्टैंडर्ड लाइक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की बात करे ओसीआई में कभी नहीं जाएगा पर इक्विटी से रिलेटेड कोई भी पेमेंट हुआ है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको वो डायरेक्टली रिजर्व से सोकी में दिखेगा इन एनी केस यू विल नॉट बी एबल टू शो दैट एज अ पार्ट ऑफ योर इन एनी केस इसी के साथ आपका 32 का पूरा डिस्कशन होता है इसके बाद में यू शुड बी इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कब फाइनेंशियल सॉरी कौन से कॉन्ट्रैक्ट इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कवर होते हैं मोर इंपॉर्टेंटली नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के कॉन्ट्रैक्ट कब यहां पे कवर होंगे नंबर टू फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटी और इक्विटी क्या होती है कब इक्विटी क्लासीफाई होती है नहीं होती है नंबर थ्री इक्विटी के केस में अलग अलग केसेस जहाँ पे आप अपने इक्विटी शेयर इशू करोगे फिक्स नंबर में कंटिजेंट शेयर्स कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट तो क्या होगा और आपके शेयर्स आपको मिलने लाइक बाय बैक और पुट ऑप्शन तो उस केस में क्या होगा इसके अलावा ऑफसेटिंग कैसे आपको हैंडल करनी है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटी इक्विटी की क्या काउंटिंग होगी थैंक यू